ओम शांति। आज की तारीख है 13/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए, यानी आलस्य नहीं आना चाहिए। अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं कि सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे, इसीलिए फिर वो ये सोचकर सुस्त बन जाते हैं, पढ़ाई पर फिर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है, प्रेम है, वह एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, उनको सुस्ती आ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, आज चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं, चलन से ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाले ही नहीं हैं, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता ज्ञान के महावाक्य। नंबर एक, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान के रूहानी नशे में रहना है। नंबर दो है, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है, अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, परंतु उनके समान बनना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं ही मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती हैं। ये स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।